हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम 9.8 करने जा रहे हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बोहले। चैप्टर इज चैप्टर 9 ऑफ कोर्स। और स्टेटमेंट है कि द ग्रैंड पोटेंशियल साई जी इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम। सिंस बोथ साई जी एंड वी आर एक्सटेंसिव क्वांटिटीज, अ सिस्टम इज अटैच टू अ रिजर्वायर विच फिक्सेस बोथ द टेम्परेचर एंड केमिकल पोटेंशियल। वी नीड टू प्रूव दैट कि ये रिलेशन ट्रू है, और इस रिलेशन को यूज़ करते हुए, इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए वी नीड टू प्रूव द सेकेंड रिलेशन टू। ठीक है, इस रिलेशन को प्रूव करना है और इसी को यूज़ करते हुए ये वाला रिलेशन हमने डिराइव करना है। तो सबसे पहले पहला प्रूफ करते हैं जो कि इस रिलेशन को प्रूफ करने का है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट्स के साथ म्यू और टी लिखा होता है ना, ये या कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट रखी गई है इन द प्रोसेस। ठीक है, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू प्रूफ पार्शियल साई जी बाय पार्शियल वी। साई जी इज ग्रैंड पोटेंशियल, इसको हम नेम करते हैं हमने माइनस पी, और ये साई जी बाय वी के इक्वल है। वी नीड टू प्रूव दैट। ओके, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो वी नो दैट द ग्रैंड पोटेंशियल इन जनरल इज गिवन बाय, ये आपने लिख लेना है, द ग्रैंड पोटेंशियल इन जनरल इज गिवन बाय दिस रिलेशन माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ जी। ओके, जो कि फर्दर ऑन इक्वल है एवरेज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी माइनस म्यू एन, विद एन बार शोज के वो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, माइनस टी एस। ठीक है, ये आप इसके टॉपिक जो इसका रिलेटेड है ग्रैंड पोटेंशियल का, उसमें देख सकते हैं कि ये इस चीज़ के इक्वल है। नाउ हम डिफरेंशियल ले लेते हैं इसका। ठीक है, दोनों साइड्स पे डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो ये और ये वाली हम लेंगे साइड साई जी, वैसे यूज़ यही वाली होगी। ओके, नाउ टेकिंग डिफरेंशियल और ऑन बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो ये हो गया पार्शियल साई जी, दैट इज इक्वल्स टू पार्शियल यू बार, यू अकेला है तो उस पर सिंपली पार्शियल लिख दिया, माइनस अब म्यू एन दो हैं तो इन पे आप प्रोडक्ट रूल लगाते हुए डिफरेंशियल लगाएंगे, तो म्यू एज इट इज पार्शियल ऑफ एन। ठीक है, फिर प्लस का साइन एन एज इट इज, तो पार्शियल ऑफ म्यू। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल लगता है जब दो आ जाएं, तो फिर नेगेटिव का साइन टी एस, ये भी दो हैं तो इन पे भी प्रोडक्ट रूल, टी एज इट इज पार्शियल एस प्लस एस एज इट इज पार्शियल टी। ठीक हो गया, अब नेगेटिव साइन इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पार्शियल यू बार माइनस म्यू सिग्मा एन, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गई, ये सारी क्वांटिटीज माइनस हो जाएंगी। ओके, तो नाउ एट कांस्टेंट पोटेंशियल म्यू, कांस्टेंट है पोटेंशियल म्यू, तो इट मींस के विच इम्प्लाइज दैट पार्शियल म्यू विल बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर म्यू कांस्टेंट है तो चेंज इन म्यू विल बी जीरो, तो ये डिफरेंशियल ये शो करता होता है चेंज को, तो चेंज जीरो इसका आप सेट करेंगे। एंड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि इन्होंने बोला है टेम्परेचर और केमिकल पोटेंशियल आर केप्ट कांस्टेंट इन द प्रोसेस, तो पार्शियल टी और उसके साथ साथ पार्शियल यू भी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है, ये दोनों जीरो होंगे। ओके, तो ये वैल्यूज हम इधर पुट करते हैं, सो इसे इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। सो वन बिकम्स पार्शियल साई जी इक्वल्स, ये जीरो हो गया, ठीक है, ये बच गया माइनस म्यू पार्शियल एन बार, ठीक है, ये वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें पार्शियल म्यू है, और टी माइनस टी पार्शियल एस बच जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तीन क्वांटिटीज हमारी जीरो हो चुकी हैं। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बच चुका है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट जो ये रिलेशन आप बुक में देख सकते हैं, उसका रेफरेंस यहाँ पे मैं कोट कर दूंगी, इक्वेशन नंबर क्या है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बाय रॉजर बोहले के चैप्टर 9 में, ये आर्टिकल यहाँ जो टॉपिक है उसमें ये रिलेशन मैंशनड है, जिसमें डी यू उन्होंने इसको डिराइव किया हुआ है। वहाँ पे मैं डिराइव नहीं कर रही, डायरेक्टली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एडिशनल एक चीज़ हो जाएगी। तो ये अगर पार्शियल के फॉर्म में लिखें, पार्शियल यू इक्वल्स माइनस पी पार्शियल वी प्लस टी पार्शियल एस प्लस म्यू पार्शियल एन। ठीक है, ये रिलेशन है वहाँ पे लिखा होगा, मैं उसका रेफरेंस यहाँ पे
वीडियो में अटैच कर दूंगी कि वो इक्वेशन नंबर कौन सी है। तो उनमें डी यूज़ किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि पार्शियल नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो पार्शियल मैंने यहाँ पे कर दी, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो अगेन ये जो पार्शियल यू है ये ज़ीरो के इक्वल होगा। ओके, तो ज़ीरो इक्वल्स माइनस पी पार्शियल वी प्लस टी पार्शियल एस प्लस म्यू पार्शियल एन। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, माइनस म्यू पार्शियल एन माइनस टी पार्शियल एस की वैल्यू। तो ये है ना वो दो, ये दोनों साइड पे ले जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस टी पार्शियल एस माइनस म्यू पार्शियल एन दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस पी पार्शियल वी। ठीक हो गया, तो यही यहाँ पे भी है ना। ठीक है, टू और थ्री की एक एक साइड अगर आप देखें ये वाली, तो ये वो सेम ही है, ये इसके ऊपर बार डाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली इस इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, तो इन दोनों को अब हम एक दूसरे के इक्वल लिखने वाले हैं। पार्शियल साई जी इक्वल्स माइनस पी पार्शियल साई जी इक्वल्स माइनस पी पार्शियल वी। ठीक है, अब ये पार्शियल वी मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये पार्शियल वी इक्वल्स माइनस पी। ठीक है, तो जो प्रूफ करना था उसका एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है, पार्शियल साई जी पर पार्शियल वी इक्वल्स माइनस पी, यही हमने किया है। और इसको डिराइव करते हुए म्यू और टी को टेम्परेचर को और म्यू को कांस्टेंट रखा गया, तो इसलिए इस पार्शियल डेरिवेटिव के अक्रॉस हमने ब्रैकेट्स डाल के उन कांस्टेंट क्वांटिटीज़ को मेंशन कर देना विच इज़ म्यू एंड टी। ठीक है, एक चीज़ प्रूव्ड। ओके, उसके अलावा हम क्या करेंगे, ये वाला डिफरेंशियल लेके चलते हैं, इसे इक्वेशन थ्री का नाम देते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थ्री। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, तो इंटीग्रेशन सिर्फ उनके वेरिएबल्स पे ही लगती है, तो p बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगी, साई जी हो जाएगी। पार्शियल के साथ जो क्वांटिटी होती है वो आ जाती है माइनस पी, और पार्शियल वी की इंटीग्रेशन सिंपली वी हो जाएगी। ओके, तो अब इसमें साई जी इक्वल्स माइनस पी वी आ चुका है, और साई जी वी को डिवाइड कर देते हैं इधर इक्वल्स माइनस पी। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास, ये साइड भी साई जी बाई वी इक्वल्स माइनस पी। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है, जिसमें हमने ये साइड्स प्रूव कर दी हैं कि ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ये भी देख लिया और ये भी प्रूव्ड। ऑलराइट, और अभी हम देखते हैं कि एक और चीज़ क्या उन्होंने बोली थी प्रूव करने को। तो अब हमने ये प्रूव करना है रिलेशन। ठीक है, ये प्रॉब्लम में कहा गया है इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए, तो जो रिज़ल्ट मैं यूज़ करूँगी वो ये वाला होगा। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर फोर का नाम दे देती हूँ, और इसके अलावा ये जो इक्वेशन थी ये मैं यूज़ करूँगी साई जी की एक ये वैल्यू, इसे इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देती हूँ, आप नेम दे देना इसको। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगी और ये रिज़ल्ट यूज़ करूँगी। तो साई जी अगर आप देखें, फिर नाउ फ्रॉम फोर साई जी की वैल्यू अगर वी उधर चला जाए तो क्या हो जाएगी, माइनस पी वी। ठीक हो गया, और यहाँ से साई जी की वैल्यू क्या है, ये यू बार माइनस म्यू एन माइनस टी एस, तो ये इक्वेट कर देते हैं। ठीक हो गया, और माइनस पी वी इक्वल्स यू माइनस म्यू एन माइनस टी एस। तो क्योंकि हमने प्रूफ जो करना है उसमें टोटल डिफरेंशियल डी आया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी हम दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, और ये क्योंकि दो का प्रोडक्ट है तो इसमें वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, पी डी वी प्लस फिर वी एज इट इज़, और पी का डिफरेंशियल दैट इज़ इक्वल्स टू डी यू माइनस, तो म्यू एन का वही स्टेप्स हैं तो मैं इसलिए उनको एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, इनका डिफरेंशियल लिया, नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे डी यू की वैल्यू जो यहाँ पे मैंने यूज़ की थी। ठीक है, तो वो यूज़ जो हमने की थी वो थी ये वैल्यू। ठीक है, पार्शियल यू इक्वल्स माइनस पी पार्शियल वी प्लस टी, यहाँ पे जहाँ पार्शियल है उसकी जगह डी को इमेजिन कर लेना है। तो यहाँ पे जो हम पुटिंग करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर में फाइव का नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो पार्शियल में मैंने फॉर्मूला लिखा था वही यहाँ पे हमने डी की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो ठीक हो गया, तो ये वाली डी यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पुटिंग करते हैं, ये माइनस पी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इसे मैं सिक्स का नाम दे देती हूँ,
तो 6 को पुट करने वाले हम 5 में, डी यू की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं, तो माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी, ओके, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, डी यू की ये वैल्यू माइनस पी डी वी प्लस टी डी एस प्लस म्यू डी एन, ये डी यू की वैल्यू यहाँ पे ये वाली पुट कर दी है, और ये आगे एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस म्यू डी एन माइनस एन डी म्यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। तो अब इस चीज़ में कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, तो जो कैंसिल होंगी उसमें है टी डी एस और प्लस टी डी एस है, और ये माइनस टी डी एस ये कैंसिल हो जाएंगे, और म्यू डी एन प्लस म्यू डी एन माइनस म्यू डी एन ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बच गया माइनस एन डी म्यू माइनस एस टी टी और माइनस पी डी वी, ठीक है। माइनस पी डी वी उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेस से मैं लेके यहाँ पे प्लस पी डी वी हो गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ओके। इस साइड पे बच गया माइनस पी डी पी, सॉरी माइनस वी डी पी माइनस वी डी पी इस साइड पे बचा, और उस साइड पे जो बचा है वो है माइनस एन डी म्यू माइनस एस डी टी, ठीक है। जो प्रूफ करना था उसमें है इक्वल टू ज़ीरो समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जिसमें वी डी पी पॉजिटिव रखा गया है, तो हम ये कर लेते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो बच जाएगा, उधर ये प्लस वी डी पी बन जाएगा माइनस एन डी म्यू माइनस एस डी टी, तो यही हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, ओके। तो ये भी प्रूफ्ड, तो इसमें जो हमने रिलेशंस यूज़ किए हैं वो रिलेशन यूज़ किया है बेसिकली ये वाला, ठीक है, साई जी का ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, और उसके अलावा जो यूज़ किया है मेन वो है ये वाला फार्मूला, ठीक है, जिसे हम अगर इस फॉर्म में देखें ये वाला इक्वेशन 6, तो ये 2 मेन फार्मूलाज को यूज़ किया है, बाकी सब हमने सारी सेम ही चीज़ें रखी हैं, ठीक है, और कोई एडिशनल हमने फार्मूला नहीं यूज़ किया, तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, उसके अलावा डी यू का ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, जिसे आप पार्शियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम हो जाता है।